अब हम देखेंगे सेल्फ ट्यून फिल्टर्स। सेल्फ ट्यून फिल्टर्स की हम देख रहे हैं ब्लॉक डायग्राम। सेल्फ ट्यून फिल्टर्स में जो ब्लॉक डायग्राम है उसमें हम देख रहे हैं कि जो इनपुट दे रहे हैं वहां से फिल्टर के थ्रू आप आउटपुट ले रहे हैं, और एक वहां पे हमने लूप फिल्टर भी लगाया गया है और एक फेज डिटेक्टर भी लगाया गया है। तो इसमें जो सेल्फ ट्यून फिल्टर रहता है ये एक यूनिवर्सल एक्टिव फिल्टर से हम उसको बनाते हैं। यूनिवर्सल एक्टिव फिल्टर से हम सेल्फ ट्यून फिल्टर को बनाते हैं। यूनिवर्सल एक्टिव फिल्टर जो है उसको हम UAF से डिनोट करते हैं, और ये जो है ये वन ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक है सेल्फ ट्यून फिल्टर का। सेल्फ ट्यून फिल्टर का एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है यूनिवर्सल एक्टिव फिल्टर, और उसी से हम सेल्फ ट्यून फिल्टर यहाँ पे बनाते हैं। सर्किट डायग्राम हम देख रहे हैं यहाँ पे सेल्फ ट्यून फिल्टर में, यहाँ पे भी हम जो UAF ले रहे हैं उसके थ्रू हम यहाँ पे सेल्फ ट्यून फिल्टर बनाएंगे। आउटपुट ऑफ दिस ऑपरेशनल एम्पलीफायर U1, जो आउटपुट है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का ये ओपेम का U1, ये एक बैंड पास आउटपुट है विच इज द इंटीग्रेटेड इन द नेक्स्ट स्टेज टू ऑब्टेन द लो पास आउटपुट। ओपेम का जो हम यहाँ पे इस डायग्राम में देख रहे हैं कि जो आउटपुट है यहाँ पे ओपेम का आउटपुट जो है वो हमें बैंड पास आउटपुट मिल रहा है, उसको फिर हम आगे और इंटीग्रेट करेंगे तो उसका जो आउटपुट मिल रहा है वो लो पास फिल्टर आउटपुट मिलेगा, उसको और अगेन इंटीग्रेट करते हैं तो हमें मिलेगा हाई पास फिल्टर आउटपुट, उसके बाद उसको और इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा बैंड स्टॉप फिल्टर आउटपुट। मतलब एक एक फिल्टर्स को हम इंटीग्रेट करेंगे तो उस हिसाब से हमें यहाँ पे इंटीग्रेशन के हिसाब से यहाँ पे एक एक फिल्टर मिलता जाएगा और उसकी एक्सप्रेशन मिलती जाएगी, उसकी इक्वेशन हमें यहाँ पे मिलती जाएगी जो हमने डायग्राम में अभी देखी है। तो जैसे ही ऑपरेशनल एम्पलीफायर को हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एक बैंड स्टॉप आउटपुट भी है जो ट्रांसफर फंक्शन के करस्पॉन्डिंग में है, और हमें वो मिलता है यूनिवर्सल एक्टिव फिल्टर के डिपिक्टेड फॉर्म से। जो बैंड स्टॉप फिल्टर का आउटपुट मिलता है हमें वो हमें ट्रांसफर फंक्शन के अकॉर्डिंग मिलता है, और यूनिवर्सल एक्टिव फिल्टर से हम उसको डिपिक्ट कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखते हैं कि इसका आउटपुट हमें कैसे मिलता है। तो जो इनपुट वोल्टेज है हमारे पास Vin वो है यहाँ पे माइनस ऑफ VO1 डिवाइड बाय द SCR ब्रैकेट का स्क्वायर। जो भी इनपुट वोल्टेज है वो है VO1 माइनस ऑफ VO1 डिवाइड बाय SCR ब्रैकेट स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा VO1 डिवाइड बाय SCR माइनस ऑफ VO बीटा। दिस इज द वर इक्वेशन नंबर 1। तो इससे हम सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे हाई पास फिल्टर का आउटपुट। हाई पास फिल्टर का आउटपुट फाइंड आउट करेंगे इस इक्वेशन से, इनपुट वोल्टेज से। तो हाई पास फिल्टर का आउटपुट रहेगा हमारा VO1 डिवाइड बाय Vin इनपुट वोल्टेज। तो यहाँ से VO आउटपुट वोल्टेज हम कॉमन लेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी VO1 डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज, तो वो रहेगा बीटा डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा इंटू 1 बाय SCR प्लस 1 बाय SCR ब्रैकेट स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारी इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे अगर इस इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करते हैं तो इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद इक्वेशन मिल जाएगी हमें SCR ब्रैकेट स्क्वायर इनटू बीटा, यहाँ पे बीटा को डिवाइड बाय हमें इक्वेशन मिल जाएगी ये SCR स्क्वायर प्लस अल्फा SCR प्लस 1। तो इस इक्वेशन को हम अगेन सिंप्लीफाई करेंगे और यहाँ पे जो एस अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी एस डिवाइड बाय ओमेगा 0 ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइड बाय एस बाय ओमेगा 0 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस एस बाय ओमेगा 0 इनटू क्यू, क्यू इज द क्वालिटी फैक्टर, प्लस 1।
तो यही हमारी इक्वेशन नंबर टू को हमने रीअरेंज किया है, इसलिए हम इसको इक्वेशन टू ही बोलेंगे। तो ये इक्वेशन हमें मिल गई है VO1 डिवाइड बाय VIN की, मतलब ये इक्वेशन हमें यहाँ पे मिली है हाई पास फिल्टर के आउटपुट की। तो यहाँ पे जो VO1 है वो है हमारा हाई पास फिल्टर का आउटपुट, तो इसको हम हाई पास फिल्टर के आउटपुट के अकॉर्डिंग इसमें पुट करेंगे। तो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी VHP हाई पास फिल्टर का वोल्टेज डिवाइड बाय द इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू, इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करके लिखेंगे S बाय ओमेगा जीरो ब्रैकेट स्क्वायर इनटू द बीटा डिवाइड बाय S बाय ओमेगा जीरो ब्रैकेट स्क्वायर प्लस S बाय ओमेगा जीरो इनटू द अल्फा प्लस वन प्लस वन, मतलब बीटा और अल्फा के फॉर्म में हमने इक्वेशन लिखी। ये हो गई हमारी हाई पास फिल्टर की इक्वेशन। अगर इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें यहाँ पे इक्वेशन मिल जाएगी लो पास, हाई पास फिल्टर को हम अगर इंटीग्रेट करते हैं तो हमें इक्वेशन मिलेगी बैंड पास फिल्टर की। इस इक्वेशन में हमने क्या किया है कि जो ओमेगा जीरो है, यहाँ पे जो ओमेगा जीरो है उसकी वैल्यू वन बाय सी आर पुट की है, वन बाय आर सी पुट की है ओमेगा जीरो की वैल्यू, और क्यू की जो वैल्यू है वन बाय अल्फा पुट की है। तो इसलिए इस इक्वेशन में ये वैल्यू पुट करने के बाद हमें ये हाई पास फिल्टर की इक्वेशन मिली। अगर हम इसको अगेन इंटीग्रेट करते हैं, सर्किट में एक हमने इंटीग्रेटर ऐड किया है, तो इंटीग्रेटर ऐड करने के बाद हमें यहाँ पे हाई पास फिल्टर वोल्टेज की इक्वेशन को इंटीग्रेटर के बाद हमें मिलेगी बैंड पास फिल्टर की इक्वेशन। तो ये बैंड पास फिल्टर की इक्वेशन रहेगी VO2 डिवाइड बाय VIN, जो आउटपुट वोल्टेज 1 मिला है हमें यहाँ पे, इसको ही हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसलिए सेकंड इंटीग्रेटर का जो आउटपुट रहेगा वो रहेगा हमारा VO2। इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करने के बाद ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी माइनस ऑफ S बाय ओमेगा 0 इनटू बीटा डिवाइड बाय 1 प्लस अल्फा डिवाइड बाय SCR प्लस, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 1 बाय एस सी आर ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारी बैंड पास फिल्टर के लिए। इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बैंड पास फिल्टर की जो इक्वेशन है वो इस तरह से मिलेगी VBP डिवाइड बाय V इनपुट वोल्टेज VI इज इक्वल टू माइनस ऑफ S बाय ओमेगा 0 इनटू बीटा डिवाइड बाय S बाय ओमेगा 0 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस S बाय ओमेगा 0 इनटू अल्फा, 1 बाय क्यू जो है वो अल्फा रहता है, प्लस 1। और ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 3, और ये इक्वेशन है फॉर द बैंड पास फिल्टर। बैंड पास फिल्टर का हमें जो आउटपुट मिल रहा है वो है हमारे पास ये इक्वेशन। इसको अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमारे पास लो पास फिल्टर का आउटपुट मिल जाता है। तो इसको इंटीग्रेट करने के पास लो पास फिल्टर का जो आउटपुट रहेगा वो रहेगा VO3 डिवाइड बाय इनपुट वोल्टेज। इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें लो पास फिल्टर का आउटपुट मिलेगा, मतलब सबसे पहले हमें हाई पास फिल्टर का आउटपुट मिला है यहाँ पे VO1 से, हमने उसको नोटिफाई किया है। उसके बाद सर्किट में हमने एक इंटीग्रेटर ऐड कर दिया, तो इस इंटीग्रेटर का जो हमें आउटपुट मिला वो मिला हमें बैंड पास फिल्टर की इक्वेशन। इंटीग्रेटर को ऐड करने के बाद इस इक्वेशन को हमने इंटीग्रेट किया तो हमें बैंड पास फिल्टर का आउटपुट मिला। इस बैंड पास फिल्टर की इक्वेशन को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमें मिलेगा लो पास फिल्टर का आउटपुट, और वो लो पास फिल्टर का आउटपुट हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे VO3 डिवाइड बाय VIN इज इक्वल टू बीटा डिवाइड बाय S बाय ओमेगा 0 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस S बाय ओमेगा 0 अल्फा प्लस 1। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 4, और ये मिली है हमें इक्वेशन नंबर 3 को इंटीग्रेट करने के बाद। तो ये इक्वेशन कहलाएगी हमारी लो पास फिल्टर की इक्वेशन, VLP डिवाइड बाय VIN हो जाएगी लो पास फिल्टर की इक्वेशन। अगर इस इक्वेशन नंबर 4 को हम अगेन इंटीग्रेट करते हैं
तो हमें मिलेगा बैंड स्टॉप फिल्टर की इक्वेशन। अब हम लो पास फिल्टर को इंटीग्रेट करेंगे और एक इंटीग्रेटर लगाएंगे इसके पीछे, तो हमें मिलेगा बैंड स्टॉप फिल्टर। तो बैंड स्टॉप फिल्टर की इक्वेशन मिल जाएगी हम इक्वेशन 3 को अगर इंटीग्रेट करते हैं, तो बैंड स्टॉप फिल्टर की इक्वेशन है VBS डिवाइड बाय द इनपुट वोल्टेज इज इक्वल टू माइनस ऑफ बीटा इनटू एस बाय ओमेगा 0 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय एस बाय ओमेगा 0 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस एस बाय ओमेगा 0 इनटू अल्फा प्लस 1। तो ये हो जाएगी हमारी नेक्स्ट इक्वेशन, और ये इक्वेशन है हमारी बैंड स्टॉप फिल्टर की इक्वेशन। तो यहाँ पे जो बैंड स्टॉप फिल्टर की इक्वेशन हमें मिली है वो मिली है इंटीग्रेशन फॉर्म ऑफ द लो पास फिल्टर से। मतलब सबसे पहले हमें आउटपुट में अगर हाई पास फिल्टर की आउटपुट मिलता है VO1, तो उसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा बैंड पास फिल्टर का आउटपुट, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो मिलेगा लो पास फिल्टर का आउटपुट, और उसको इंटीग्रेट करेंगे तो नेक्स्ट हमें मिलेगा बैंड स्टॉप फिल्टर का आउटपुट। ये है हमारा बैंड स्टॉप फिल्टर का आउटपुट। अगर ओवरऑल हम ये सेटअप अगर देखें तो यहाँ पे 4 वो यहाँ पे यूनिवर्सल एक्टिव फिल्टर यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, 4 यूनिवर्सल एक्टिव फिल्टर यहाँ पे वर्क कर रहे हैं अगर ओवरऑल सेटअप में हम देखें तो। तो फिगर के हिसाब से यहाँ पे जो 4 यूनिवर्सल एक्टिव फिल्टर यूज कर रहे हैं हम एज ओप एम्प यूज कर रहे हैं, तो उसका जो आउटपुट हमें मिल रहा है थ्रू दिस सर्किट, तो सर्किट कैन बी कन्वर्टेड टू द वोल्टेज कंट्रोल्ड फिल्टर। इस सर्किट को हम यहाँ पे जो हमें 4 ओप एम्प यूज कर किए हैं तो वो है एज ए यहाँ पे यूनिवर्सल एक्टिव फिल्टर। तो यहाँ पे अगर हमें सेल्फ ट्यून सर्किट में इसको कन्वर्ट करना है तो इसको सबसे पहले हमें वोल्टेज कंट्रोल्ड फिल्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वोल्टेज कंट्रोल्ड फिल्टर में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे एक इंटीग्रेटर के बाद मल्टीप्लायर का ब्लॉक ऐड करना पड़ेगा, और मल्टीप्लायर का ब्लॉक ऐड करने के बाद जो पूरी कंप्लीट सेटअप है उसको हम बोलेंगे वोल्टेज कंट्रोल्ड एक्टिव फिल्टर, और वो कंट्रोल होगा थ्रू द वोल्टेज ऑफ द VC। VC जो है वो मैन्युअली वेरिड वोल्टेज है, यहाँ पे जो हम ये डायग्राम में देख रहे हैं VC कनेक्टेड है, और VC कनेक्टेड है इसलिए जो कंप्लीट सेटअप हमारी बन गई है वो बन गई हमारी वोल्टेज कंट्रोल फिल्टर। यहाँ पे एक मल्टीप्लायर हमने ऐड कर दिया है, तो जो VC यहाँ पे मिला है VC से हम यहाँ पे मैन्युअली उसको वेरीड करके सेंटर फ्रिक्वेंसी हम वेरी कर सकते हैं ऑफ दिस सिस्टम। सो हमें जो कंट्रोल वोल्टेज मिला है, कंट्रोल एक्टिव फिल्टर मिला है, ये कंट्रोल होता है थ्रू दिस VC दैट इज द सेंटर फ्रिक्वेंसी, और उसको हम मैन्युअली वेरीड कर सकते हैं तो सेंटर फ्रिक्वेंसी हमें मैन्युअली वेरीड होने के बाद मिलेगी। तो आउटपुट एट द पॉइंट ऑफ ए पॉइंट के पास हमें जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा एवरेज वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर लोड। कैपेसिटर लोड की एक एवरेज वैल्यू हमें एट द पॉइंट ऑफ ए मिलेगा। दिस मैकेनिज्म इज मेड सेल्फ ट्यूनिंग बाय एडिंग एन इंटीग्रेटर इन द नेगेटिव फीडबैक मोड एंड बाय रिप्लेसिंग द NMOS ट्रांजिस्टर बाय द PMOS ट्रांजिस्टर। यहाँ पे जो हम वोल्टेज कंट्रोल फिल्टर को हमें अब यहाँ पे बनाना है सेल्फ ट्यून फिल्टर, तो सेल्फ ट्यून फिल्टर तब बनेगा जब हम यहाँ पे मल्टीप्लायर के आगे इंटीग्रेटर लगा देंगे, इंटीग्रेटर को यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसके बाद सर्किट में जो एन मॉस्फेट्स लगे हुए हैं, तो सर्किट में जो एन मॉस्फेट लगे हैं उसकी जगह पे हम यहाँ पे पी मॉस्फेट लगा देंगे। तो पी मॉस्फेट और एक मल्टीप्लायर अगर हम वोल्टेज कंट्रोल फिल्टर में ऐड करते हैं, मल्टीप्लायर के बाद हम एक इंटीग्रेटर लगाएंगे और एन मॉस जो है उसको हम यहाँ पे पी मॉस में कन्वर्ट करेंगे और मल्टीप्लायर के बाद इंटीग्रेटर लगाएंगे, तो वोल्टेज कंट्रोल फिल्टर को हम इस तरह सेल्फ ट्यून फिल्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ पे, और ये एक लिनियराइज रजिस्टर सर्किट होगा।
output of this integrator is fed back again to the circuit as the control voltage VC. यहाँ पे जो इंटीग्रेटर का आउटपुट है, जो मल्टीप्लायर के बाद हमने आउटपुट इंटीग्रेटर लगाया है, तो इस इंटीग्रेटर का जो आउटपुट है वो रहेगा यहाँ पे कंट्रोल वोल्टेज VC रहेगा, जो हम इस डायग्राम में देख रहे हैं। अब यहाँ पे जो सिस्टम हमें सेल्फ ट्यून फिल्टर बन गई है, जो वोल्टेज कंट्रोल फिल्टर था वो हमारे पास अब सेल्फ ट्यून फिल्टर बन गई है। यहाँ पे जो मल्टीप्लायर सर्किट जो है वो कांस्टेंट फेज डिफरेंस रखता है, दैट इज द 90 डिग्री फेज शिफ्ट रखता है, और यहाँ पे वो मेंटेन होता है बिटवीन द इनपुट और आउटपुट के बीच में। इसलिए जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द फिल्टर रहती है वो एडजस्ट करते हैं इन द अकॉर्डिंग विद द आरडीएस। जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी मिल रही है हमें यहाँ पे, वो आरडीएस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। जो आरडीएस है वो प्रोपोर्शनल टू द कंट्रोल वोल्टेज है। तो यहाँ पे जिस तरह हमें ये वेरिएशंस मिल रहे हैं इनपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसी में, आउटपुट भी सेल्फ एडजस्टेड होता जाएगा और उसमें एग्जैक्टली 90 डिग्री आउट ऑफ फेज हमें फ्रीक्वेंसी मिलेगी विद द इनपुट सिग्नल। इनपुट सिग्नल के साथ हमें 90 डिग्री की फेज शिफ्ट मिलेगी और आउटपुट जैसे ही चेंज होता है तो इनपुट भी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेंज होता जाएगा। ये हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करता है कि क्या प्रिंसिपल है, मेन प्रिंसिपल, मेन वर्किंग क्या है सेल्फ ट्यून फिल्टर के पीछे। अब हम देखेंगे कि सेल्फ ट्यून फिल्टर्स ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं। तो ये बहुत सारे एप्लीकेशंस में यूज होते हैं। सेल्फ ट्यून फिल्टर जो है बहुत सारे एप्लीकेशंस में यूज होते हैं। मोस्ट ऑफ ये जो टेक्नोलॉजी है वो यूज होती है डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में, क्योंकि ये जो बोथ सेक्टर्स है वहां पे रिवोल्यूशनलाइज सिग्नल प्रोसेसिंग होती रहती है और इसमें यहाँ पे सेल्फ ट्यून फिल्टर का बहुत इंपॉर्टेंट वर्क रहता है। अगर एडवांसमेंट इन न्यू सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी और माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड जो इंटेलिजेंस सिस्टम है वहां पे भी सेल्फ ट्यून फिल्टर्स को हमें इम्प्लीमेंट करके सेवरल फील्ड में हम उसका यूज कर सकते हैं, जैसे कि एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में हम यूज कर सकते हैं सेल्फ ट्यून फिल्टर्स को, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में यूज होता है, साइंटिफिक रिसर्च टेक्नोलॉजी में इसको यूज कर सकते हैं, और अगर इस फील्ड में और हम मेनी पोटेंशियल एप्लीकेशंस देखें तो जैसे कि लिमिटेड टू द साइंटिफिक एप्लीकेशंस, जैसे कि ये मेनली यूज होता है नॉइज रिड्यूस करने के लिए। जो साइंटिफिक एप्लीकेशंस है उसमें जो नॉइज आता है तो नॉइज रिड्यूस करने के लिए, जैसे कि एनालॉग और डिजिटल सर्किट से, एनालॉग डिजिटल सिस्टम से, उसमें जो भी नॉइज आता है उसको रिड्यूस करने के लिए हम सेल्फ ट्यून फिल्टर्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं। वैसे ही लॉक ऑन द रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन सिग्नल, जो रिक्वायर्ड हमें फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन सिग्नल्स चाहिए रहती है उसको लॉक करने के लिए भी हम यहाँ पे सेल्फ ट्यून फिल्टर का यूज कर सकते हैं।